तो फिर हमें डराया जा रहा है कि कोविड वापस आ गया, थर्ड वेव आएगी कि नहीं आएगी या आ गई है, क्या लोग फिर पहले की तरह ऐसे ही मरेंगे, क्या ये फिर डेंजरस सिनेरियो आ गया है, क्या लॉकडाउन लगेगा। इस अपडेट के साथ मैं डॉक्टर संजीव कुमार हैदराबाद से। जी सर, ओमाइक्रॉन वेरिएंट बहुत तेज फैलता है और लोगों को इन्फेक्ट कर रहा है, इन्फेक्ट उन लोगों को भी कर रहा है जिन्होंने वैक्सीन ली हुई है, पर क्या इससे डरने की जरूरत है? चलो मेरी नजर से कोरोना को दोबारा देखते हैं। हम जब कोरोना की वैक्सीन बनाए थे तो हमने ये सोचा था कि वैक्सीन बॉडी में इम्यूनिटी बनाएगी, ओमाइक्रॉन भी बॉडी में इम्यूनिटी बना रहा है। हम चाहते थे कि वैक्सीन ऐसा इन्फेक्शन हो जो बहुत माइल्ड हो, कोरोना जैसा ना हो और लोगों को मारे ना। ओमाइक्रॉन भी यही कर रहा है, आपको मार नहीं रहा, 2-3-4 दिन में जुकाम बुखार होके आपने इम्यूनिटी दे रहा है। और ये वैक्सीन हम सारे विश्व को लगा सकें, आपने देखा हमने कितना भी ओमाइक्रॉन को रोकने की कोशिश करी, ये नहीं रुका और सब में पहुंच रहा है, साउथ अफ्रीका, यूके, यूएस। तो ओमाइक्रॉन वायरस है या ऊपर वाले की बनाई वैक्सीन है? ये वायरस जो नया आया है ये बहुत माइल्ड है और सब लोगों को एक ही टाइम में होता जा रहा है, चाहे आपने वैक्सीन ली है, चाहे आपने वैक्सीन नहीं ली, चाहे आप अमेरिका में रहते हैं, चाहे आप यूके में रहते हैं, चाहे आप साउथ अफ्रीका में रहते हैं, चाहे आप हिंदुस्तान में रहते हैं, कोरोना आप तक पहुंचेगा और ये पहुंच के आपके अंदर इम्यूनिटी बनाएगा और आप जल्दी ठीक हो जाएंगे। क्या कोरोना के जाने का यही लक्षण है कि कोरोना एक बार आपको इन्फेक्ट करके नेचुरल इम्यूनिटी में अगर हर्ड इम्यूनिटी क्रिएट कर देगा, 60% लोग इन्फेक्ट हो गए तो ये ऑटोमेटिकली चला जाएगा। इसीलिए घबराइए मत, ये ओमाइक्रॉन ऊपर वाले का बनाया वैक्सीन भी हो सकता है। मैं डॉक्टर संजीव कुमार हैदराबाद से बोल रहा हूं। बंद कर दो सर।